अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम ये सलाम मैं ये वरहमतुल्लाह। पूछना चाहती हूँ कि हम जैसे सफर में हैं और जैसे 10 या 20 किलोमीटर हम जा रहे हैं सफर में, तो क्या हम नमाज को जमा कर सकते हैं? 10 10 20 किलोमीटर को इस जमाने में सफर नहीं कहा जाता है। 10 10 20 किलोमीटर तो आदमी जो है मॉर्निंग वॉकिंग पे निकल जाता है, तो ये सफर जी नहीं है, तो उसमें जमा नहीं कर सकते। कम अच्छा से जी, कम कम से कम कितना दूर होना चाहिए, कितना किलोमीटर अगर हम जाए तो हम नमाज को ये कर सकते हैं, जमा कर सकते हाँ, हैं? ये सवाल आपको पहले पूछना, ये ज्यादा बेहतर सवाल है। देखिए, जी सफर जो है, जिसको सफर कहा जाता हो हमारे मुआशरे में, उसमें जमा और कसर करना है। सफर की कोई लिमिटेशन किलोमीटर से नहीं है, इसको अच्छी तरह समझ जी लें कि सफर की लिमिटेशन किलोमीटर से नहीं है, ये उर्फ और समाज के एतबार से, जमानो मकान के एतबार से बदलता रहता है। हो सकता है किसी जमाने में 50 किलोमीटर को 2 3 दिन का सफर कहा जाता रहा हो, इस जमाने में जी 50 किलोमीटर को 20 मिनट में हम तय कर लेते हैं। तो हर जमाने में सफर का डिफिनेशन बदलता रहता है। तो जिस समाज और मुआशरे में, जिस जमाने में, जिस मसाफत को के जाने को सफर कहा जाता हो, उसको सफर कहा जाएगा। इसका किलोमीटर से कोई ताल्लुक नहीं है।